हेलो एवरीवन आज हमारे पास क्वेश्चन क्या है हाइपरबोलिक का क्वेश्चन है ठीक है तो हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करने की इसकी कोर्स हाइपरबोलिक इनवर्स ब्रैकेट वन प्लस एक्स स्क्र डिवाइड में वन माइनस एक्स क्वेर ब्रैकेट बंद डी एक्स और जो एक्स मोड एक्स है वो लेस देन वन है ठीक है तो हम यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे एक्स को कोई एक अनदर मतलब वेरियबल कुछ पुट कर देते थे ठीक है जिससे हमारी जो इंटीग्रेशन होती थी वो ईजी हो जाती थी तो अब हमें एक्स को हम क्या पुट करें वो भी सोचना पड़ेगा अब ऐसे और कुछ तो नहीं पुट कर सकते ना हर क्वेश्चन में अलग होता है ठीक है अब जैसे हमें यहाँ एक्स को क्या पुट करें कि जो यहाँ पे कोस हाइप्रोबोलिक कुछ समथिंग बन जाए और कोस हाइप्रोबोलिक से कोस हाइप्रोबोलिक इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हाइप्रोबोलिक के कुछ फार्मूलेज हैं तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जैसे टिग्नोमेट्री के फार्मूलेज होते हैं वैसे हाइप्रोबोलिक फंक्शन के भी फॉर्मूले होते हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे तभी हम इनकी इंटीग्रेशन सोल्व कर पाएंगे तो ऐसे ही कोस हाइप्रोबोलिक टू वाई का फॉर्मूला क्या होता है 1 y 1 y कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा यहाँ से बहुत सारे डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक y का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है सीकेंट हाइप्रोबोलिक स्कूल तो इन दोनों का यूज करेंगे हम इस फर्स्ट इसको फर्स्ट नाम दे देते ठीक है फर्स्ट वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन कोस हाइपरबोलिक इनवर्स ब्रैकेट वन प्लस एक्स है एक्स की जगह क्या आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्र वाई डिवाइड में वन माइनस एक्स स्क्र वन माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्र वाई ठीक है ब्रैकेट बंद डीएक्स डीएक्स की जगह क्या आएगा इप्रोबोलिक स्क्र वाई डी वाई ओके ये आ गया अब हमें पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिखते हैं कोस हाइप्रोबोलिक टू वाई लिख सकते हैं तो लिखते हैं अब हम ये क्या बन जाएगा कोस हाइप्रोबोलिक इनवर्स अंदर क्या बन जाएगा कोस हाइप्रोबोलिक टू वाई ब्रैकेट बन सीके स्क् स्क्र वाई डी वाई ठीक है तो यहां से कोस हाइप्रोबोलिक इन्वर्स एक्स है कोस हाइप्रोबोलिक एक्स एच कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आएगा टू कॉन्स्टेंट है टू बाहर आ गया अंदर आ गया वाई मल्टीप्लाई में सीकेट हाइप्रोबोलिक स्की वाई ओके अब हमने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे बाय पार्ट्स बाय पार्ट्स हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है तो आपको आता होगा ठीक है तो बाय पार्ट्स में क्या होता है एक फर्स्ट फंक्शन होता है एक सेकंड फंक्शन होता है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं तो बाय पार्ट्स फॉर्मूला क्या कहते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन सेकेंड हाइप्रोबोलिक स्केयर वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है टेंजेंट हाइप्रोबोलिक वाई ओके तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा टेंजेंट वाई माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा वन मल्टीप्लाई में सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई डी वाई ओके ये आ गया इधर से हमारे पास क्या आ गया ये टू ब्रैकेट बंद वाई टेंजेंट वाई माइनस और हमें पता है कि जो हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई होती है जो इसकी इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन होती है लोग कोस हाइप्रोबोल को ये आ गई क्योंकि जो सिंपल टेंजेंट uh, जो टिक्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है उसमें तो माइनस तो होता है बट जो हाइप्रोबोलिक होता है उसमें माइनस नहीं होता ठीक है थोड़ा डिफरेंस होता है ठीक है ठीक है ये इसका फॉर्मूला था तो यहां पे हम इसको पुट कर देंगे क्या बन जाएगा लोग कोस हाइप्रोबोलिक वाई ठीक है ये आ गया हमारे पास अब हम क्या करेंगे हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था कि जो हमारा एक्स है वो क्या है

अगर आपने एच नहीं लगाया तो टिक्नोमेट्री फंक्शन बन जाएगा ओके एच भी लगाना होता है हाइपरबोलिक होता है इसका मतलब है मतलब ठीक मल्टीप्लाई में की जगह क्या आएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस लोग कोस हाइपरबोलिक वाई अब हम क्या करेंगे कोस हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू निकाल लेंगे वो कैसे निकालेंगे वो भी निकल जाएगी कैसे निकलेगी देखो हमें एक फॉर्मुला ये भी पता है सीके हाइपरबोलिक स्केयर वाई इज इक्वल टू वन माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्केयर वाई होता है ठीक है और हमें टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू पता है तो यहां से क्या वन माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास सीकेंड हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू आ गई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र और हमें पता है सिकेंड हाइपरबोलिक वाई क्या होता है वन अपॉन कोस वाई ठीक है तो इसका इन्वर्स कर देंगे मतलब ये होता है ना हमारे पास ये तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स क्यूर ठीक है ये वाली वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे ठीक है तो यहां से हमारे पास क्या बन गया टू एक्स मल्टीप्लाई में टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई दोनों साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है टू लोग वैल्यू क्या आएगी हमारे पास वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स क्यूर ठीक है प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन करने के बाद एक कॉन्स्टेंट भी प्लस होता है ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं आंसर तो हमारा ये भी अगर आप इतना भी करोगे तो चलेगा बट लास्ट तक इसको थोड़ा जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर देते हैं अब देखो अगर इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं लोग वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ प्लस सी ठीक है ऐसे लिख लिख सकते हैं इसको इसके बाद हमें पता है कि जो इसकी लोग के जो अंदर होता है इसकी जो पावर होती है इसको हम आगे भी लिख सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई में ऐसे हाफ वन माइनस एक्स प्लस जो यहाँ पे पावर होती है उसको आगे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं जो मल्टीप्लाई में होता है उसको हम पावर में ले जा सकते हैं ठीक है ठीके? ये लोग का वो होता है ठीक है तो टू से टू कैंसिल माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया टू एक्स टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस लोग वन माइनस एक्स है सॉरी मैंने गलती कर दी प्लस सी ये ये आ गया हमारा फाइनल आंसर बहुत इजी क्वेश्चन था बट हमें स्टार्टिंग में ये पता होना चाहिए हमने एक्स को क्या पुट करना है और उसके बाद हमें हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूले पता होने चाहिए ठीक है अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मतलब 80 परसेंट एग्जाम में आता ही आता है हाइपरबोलिक का छह मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है हाइपरबोलिक चैप्टर का एक तो आपको मेरे चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना लाइक करना मत भूलना वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ तब तक बाय बाय